हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं, यदि आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और आपको भी पेंशन प्राप्त होती है तो हो सकता है आपका भी जो है अब इलाहाबाद की जगह स्पर्श पोर्टल पर PPO मर्ज कर दिया गया हो। अब जो है आपकी पेंशन जो है स्पर्श पोर्टल के अंतर्गत कन्वर्ट कर दी गई है, तो ऐसे में जो है आपके मोबाइल पे एक PPO नंबर मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। तो आप जो है उसका PPO ओरिजिनल PPO ऑनलाइन के माध्यम से किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी प्रोसेस बतलाने जा रहे हैं कि आप जो है स्पर्श के पोर्टल में किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए आपको किस प्रकार से लॉगिन करने के लिए ID पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड किस प्रकार से आपको रिसेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पासवर्ड और ID हमारे मैसेज के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें केवल हमारा PPO नंबर या यूजर ID हमारे मोबाइल पे प्राप्त होती है और जो पासवर्ड हमें जिसकी आवश्यकता होती है वह हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हम जो है नया पासवर्ड किस प्रकार से बना सकते हैं और स्पर्श पोर्टल में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जो है पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं, तो आप जो है वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको पूरी प्रोसेस सही सही से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको गूगल पे आ जाना, यहाँ पे आकर जो है आपको स्पर्श पोर्टल लिख के सर्च कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिंक खुल के आ जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पहला वाला जो स्पर्श वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसी लिंक के ऊपर एक बार सिंपल से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हम जैसे इस पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं हमारे सामने जो है स्पर्श का ऑफिशियल पोर्टल खुल के आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में आपको दो ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं, डिजिटल सेवा और उसके बगल में आपको जो है लॉगिन का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है ये वाला। तो आपको इसी लॉगिन बटन के ऊपर एक बार सिंपल से क्लिक कर देना है। दोस्तों, यदि आपके पास मैसेज में ID और पासवर्ड आ गया तो दोनों आपको यूजर ID में ID डाल देना है और नीचे आपको पासवर्ड डाल देना है और दिया हुआ कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है, ये वाला जो लॉगिन बटन है। और यदि आपको पासवर्ड नहीं आया हुआ आपके मोबाइल में तो आप नीचे एक ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड नाम से एक ऑप्शन नीचे की तरफ दिखलाई दे रहा है ये वाला। तो आप जो है इसी पे क्लिक करेंगे और अपना जो है यूजर ID डाल के पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, मतलब कि अपने पासवर्ड का पता कर सकते हैं। तो हम जो है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है इंटर यूजर नेम, यूजर नेम आपको वही डालना जो आपके मोबाइल पे स्पर्श का PPO नंबर आपको प्राप्त हुआ है। पूरा PPO नंबर डालने के बाद आपको लास्ट में 01 लगाना है। यदि आप आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हुए तो आपको लास्ट में 02 जोड़ देना है। आपका जो भी PPO नंबर है आपको याद रखना है, फर्स्ट में 01 लगाना, आर्मी से यदि रिटायर्ड हुए हैं पुलिस से और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए तो 02 आपको जोड़ देना है। उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे हमें OTP प्राप्त हो जाती है। अब हमें जो है यहाँ पे सबमिट OTP बटन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं डिफॉल्ट पासवर्ड हैज रिसेट, मतलब कि आपका जो पासवर्ड है आपके मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो हम देखते हैं हमारे मोबाइल पे जो है हमारा पासवर्ड हमें प्राप्त हो गया, हम फिर से लॉग इन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो भी यूजर नेम है, मतलब हमारा जो PPO का नंबर है वह हमें सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद जो भी हमारा पासवर्ड हमें मोबाइल में प्राप्त हुआ है वह पासवर्ड यहाँ पे हमें डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हम अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दे रहे हैं और नीचे हमें जो भी कुछ कैप्चा कोड यहाँ पे दिखलाई दे रहा है वह कैप्चा कोड अच्छे से आराम से हमें डाल देना ताकि गड़बड़ ना हो। और उसके बाद जो है फिर से हमें यहाँ पे लॉग इन बटन के ऊपर एक बार सिंपल से क्लिक कर लेना है। तो हम जैसे ही लॉग इन बटन पे क्लिक करते हैं हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे फिर से एक 6 अंकों का OTP हमें प्राप्त हो जाता है, वह OTP कोड हमें यहाँ पे डाल देना है। हमें OTP प्राप्त हो गया, हमने OTP डाल के यहाँ पे सबमिट बटन पे एक बार फिर से क्लिक कर दिया है। अब यहाँ आप देखेंगे चेंज पासवर्ड, तो यहाँ पे जो है आपको आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड आया था ऊपर आपको करंट पासवर्ड में यहाँ पे डाल देना है जो कि आपको अभी मैसेज के माध्यम से मोबाइल पे प्राप्त हुआ है। और उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड ले लेना है, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपको लेना है जिसमें कि एक अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ डिजिट भी हो। तो उस प्रकार से हमने जो है यहाँ से ले लिया है, आपको इस प्रकार से ले लेना है और उसके बाद जो सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ कन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है, हमारा जो है पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब जो हम फिर से यहाँ पे लॉगिन वाले जो बटन पे आप देख रहे हैं इस पर हमें क्लिक कर देना है
और उसके बाद जो है हमें फिर से अपना आईडी नंबर डालना, और अभी हम जो रीसेट करके एक नया पासवर्ड जनरेट किया है वह नया वाला पासवर्ड हमें यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद लॉगिन बटन पे हमें फिर से क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे जो है लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया है, हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे जो है एक ओटीपी कोड यहाँ से सेंड कर दिया गया है, बस थोड़ी देर में हमें प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें पोर्टल में दिखलाई देता है। यहाँ हमारे सारे स्पर्श संबंधित जानकारी दिखलाई दे रही है। आपको यहाँ नीचे की तरफ आ जाना, माई डॉक्यूमेंट ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। याद रखना है आपको माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे स्लिप भी दिखलाई दे रही है, पीपीओ भी दिखलाई दे रहा है, और पेंशन क्रॉस्पॉन्डेंस जो पीपीओ पर भी आपको दिखलाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ हमारे जितने भी पीपीओ हमें यहाँ पे दिखलाई दे रहे हैं, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, पेंशनर्स क्रॉस्पॉन्ड पीपीओ। आपको इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ आपके पीपीओ का पीडीएफ फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें इसी पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो पीपीओ होगा वह हमारे मोबाइल या हमारे कंप्यूटर पे जिससे भी हम देख रहे हैं उस पे इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपने पीपीओ को, इस वर्ष का पीपीओ है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे में ले जाकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि आप जो है अपना स्पर्श का पीपीओ किस प्रकार से घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी इस आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके और वो भी जो है अपना पीपीओ निकलवा सकें। इसमें जो है आप जब भी इसको निकालेंगे तो आपके पास जो है स्पर्श का पीपीओ नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो मोबाइल नंबर जिस पर मैसेज आया है वह चालू होना चाहिए क्योंकि आगे की प्रक्रिया उसी के माध्यम से होने वाली है। तो इस प्रकार से जो है आप अपना पीपीओ घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को और परिचितों को भी शेयर करें क्योंकि जो पेंशनर्स है बहुत ही परेशान होते हैं किस प्रकार से जो है हम अपना पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक वाले वीडियो रोज ही आया करते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।